अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महनाज किचन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल वेज बर्गर। वेरी क्विक एंड इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वेज बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम क्रंची सी क्रिस्पी सी जो बर्गर में टिक्की होती है उसको बना लेते हैं। तो टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इसको मैंने बॉयल कर लिया था और 1 घंटे तक इसको ठंडा कर लिया। उसके बाद मैंने इसको मैश किया है ताकि स्टार्ची ना रहे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कि मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको फाइन चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। 100 ग्राम मैंने फ्रेश मटर ली है, इसको मैंने बॉयल कर लिया है, इसको भी इसमें ऐड करेंगे हम। 1 हरी मिर्च है, इसको फाइन चॉप कर लिया है, इसमें ऐड करेंगे। 1/2 बंच ये फ्रेश धनिया पत्ती है, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1/2 टीस्पून ये भुना पिसा जीरा है। 1/4 टीस्पून ये काली मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून चाट मसाला। बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स। मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस को ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लिया है और ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनके तैयार हो गए हैं। मैं यहाँ 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी। अब इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम डो की फॉर्म में इसको करना है हमें। आलू टिक्की का जो मसाला है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया, एकदम डो की शेप में हो गया है ये। टिक्की को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। दोनों को सेम प्रपोर्शन में लेना है। इसका हमें थिक पेस्ट बनाना है, इस पेस्ट में कोई लम्ब्स नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसकी स्लरी बना लेंगे। अब देखिए बन के रेडी है एकदम। अब आप चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। अब टिक्की बना लेते हैं हम। अब जितना बड़ा हमने बर्गर का बन लिया है उतनी बड़ी हम टिक्की बनाएंगे। तो हम सबसे पहले ये टिक्की का मसाला लेंगे, आलू मसाला जो हमने प्रिपेयर करके रखा है, तो थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे क्वांटिटी में क्योंकि बन भी बड़ा है। ये देखिए सबसे पहले हम इसको राउंड कर लेंगे इस टाइप से, बहुत अच्छे से ऐसे राउंड कर लेना है। और अब हम इसको जो है फ्लैट कर लेंगे यू इस टाइप से। तो देखिए ये हमारा बन है, इसी साइज़ की बनी है ये, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। अभी मैं फ़िलहाल जो है 2 बर्गर बना रही हूँ, तो 2 टिक्की बना ली है मैंने। अब टिक्की को कोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टिक्की को लेंगे और इसमें डिप करेंगे जो हमने इसका घोल बनाया है मैदा और कॉर्नफ्लावर का। सबसे पहले इसको ऐसे हम इसमें डिप कर लेंगे, इसको कोट करेंगे दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स को। ये देखिए, और ऐसे इसको कॉर्नर से भी ठीक कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से कोट हो गया है, ये देखिए टिक्की के ऊपर सारे ब्रेड क्रम्स। इसको स्टेप से यहाँ प्लेट पे रख लेंगे हम। अब हमें टिक्की को जो है फ्राई करना है, तो मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई में भी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ इस टाइप से ऑयल गर्म हो चुका है और ये टिक्की को हम ऑयल में रख देंगे फ्राई करने के लिए। फ्लेम को जो है मीडियम रखना है हमें ताकि ब्रेड क्रम्स जो है ज़्यादा जल ना जाए। ये देखिए साइड से जो है लग रहा है लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगा है, तो इसको हम जो है टर्न कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको टर्न कर दिया है, कितनी अच्छी हो गई है। इसको भी टर्न कर देते हैं, दोनों साइड से अच्छे से टर्न कर करके बहुत अच्छे से क्रिस्प और क्रंच होने तक फ्राई करना है इसे लाइट ब्राउन कलर में। देखिए टिक्की बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये कितना प्यारा कलर आया है टिक्की का, कितनी प्यारी कलर में फ्राई की हुई है ये। इस टाइप से ये आप फ्राई कीजिएगा इसी कलर में इसी स्टेज तक। फ्रेंड्स अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ, जो कि हमें अब इसको असेंबल करना है अपने वेज बर्गर को। तो मैंने यहाँ पर ये बंस ले लिए हैं, सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। इस टाइप से इसको हम कट कर लेंगे। बंस को हमने कट कर लिया, सबसे पहले हम इसे टोस्ट करेंगे। टोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ बटर यूज़ कर रही हूँ, ये बटर से हम इसको टोस्ट करेंगे। इससे जो है बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है बटर का। इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा कर लेंगे हम, जिससे कि जब बर्गर जब खाएं तो वो ज़्यादा टेस्टी लगे। देखिए अब मैं दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही हल्का सा टोस्ट कर लूँगी। देखिए बंस जो बहुत अच्छे से टोस्ट हो गए हैं, इसको हम प्लेट के ऊपर रख लेते हैं। ये देखिए
स्ट्रीट स्टाइल में जो बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि वो कभी कभी इसको डीप फ्राई करके भी बनाते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ टोस्ट ही कर लिया हमने, हमने डीप फ्राई नहीं किया है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगते हैं क्रिस्पी से। अब बारी आती है बर्गर को असेंबल करने की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इस टाइप से एक पीस लेंगे हम, ये टॉप वाला नहीं लेना हमें, ये नीचे जो बॉटम वाला है वो लेंगे। और सबसे पहले मैं इस पर टमाटो केचप अप्लाई करूँगी। अब हम यहाँ कुछ वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने खीरा प्याज और टमाटर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये खीरे के मैंने पतले पतले स्लाइसेस कट किए हैं। नेक्स्ट लेयर में मैं इसके ऊपर एक टिक्की रख रही हूँ, कि देखिए ये टिक्की रख दी हमने। ये अनियन रखी है, अनियन के ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिससे कि इसका जायका थोड़ा अच्छा हो जाए हल्का सा। अब इसके ऊपर एक टमाटो और एक से दो स्लाइसेस खीरे की। यहाँ मैंने एक पनीर लिया है, पनीर को मैंने स्क्वायर शेप में एकदम थिन लेयर में काट लिया है, ये इसके ऊपर लगाएंगे इस टाइप से। और पनीर के ऊपर भी हल्का सा जो है हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अब ये इसका टॉप वाला जो है ये, इस पर हम क्या करें, सिंपल चटनी है धनिया और हरी मिर्च की चटनी, इसको अप्लाई करेंगे। देखिए बहुत मज़ेदार लगता है एकदम स्ट्रीट स्टाइल में, जैसे स्ट्रीट स्टाइल वाले बनाते हैं बिल्कुल वही स्टाइल है ये, बस इस टाइप से इसको हम। तो फ्रेंड्स देखिए स्ट्रीट स्टाइल वेज बर्गर एकदम रेडी है। वेज बर्गर गर्मा गर्म आप टमाटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।